चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। और ये रेसिपी कैसी लगी कृपया मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। छोले चाट बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है उनमें है करीब 100 ग्राम छोले, जिनको हमने 4 घंटे तक एक पिंच सोडे के साथ पानी में भिगो कर रख दिया था और फिर करीब 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कुक कर लिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा और 1/2 टीस्पून काला नमक और स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 उबले हुए आलू जिनको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो छोला चाट बनाने के लिए हम एक बाउल में हमारे कुक किए हुए काबुली छोले ले लेंगे और फिर इसमें कटे हुए आलू भी डाल देंगे। इसके बाद इसमें हमारे बारी बारी से कटे हुए टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक और पिसा हुआ जीरा भी डाल देंगे और साथ ही इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। यदि आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा भुजिया डालकर इन्हें फिर से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करते समय हम इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से एक बार फिर थोड़ा सा भुजिया डाल सकते हैं। तो हमारी ये छोला चाट बनकर तैयार है। इसे आप शाम के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं।